सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज अपन टॉक भाई। आज के लोगों को फिर से लेकर आया हूं कार हेवन अशोक विहार न्यू दिल्ली। मैं भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया। गौरव की आवाज आज स्लो लग रही, ट्रैफिक में फंसा हुआ। बहुत ज्यादा जाम दिल्ली के अंदर हो रहा, बारिश और जाम तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें भी दिखाने क्या वाले हो आज? यार हम फॉर्च्यूनर कन्वर्ट कर रहे हैं लेजेंडर में। अच्छा, मतलब ओवरऑल इसमें सारा काम कर रहे हैं, इसलिए आपने शूट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम भी करने के क्या वाले, कौन सा मॉडल है? 2017। ठीक है, यूपी से गाड़ी आई है। यूपी से आई है और इसको हम यहाँ से मतलब लेजेंडर में कन्वर्ट करेंगे पूरा, जिसके लिए कि इसका बम्पर हेडलैम्प ठीक, टेल लैम्प, रियर बम्पर, सारा कुछ लग रहा है। वैसे भी एक बात बताओ, 2017 को अगर लेजेंडर बनाना है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं कॉस्मेटिक में? बम्पर, रियर बम्पर, हेडलैम्प, टेल लैम्प, फॉग लैम्प, बस इतना होता है। लेकिन इसमें हम आगे भी करेंगे, इसमें ओवरऑल सारा काम, सारा काम। और तुम्हें अंदर भी ले चलो, क्या क्या कर रहे हो? तो क्या है काम कर रहे हो इसके अंदर? इंटीरियर म्यूजिक भी इनहेंस हो रहे हैं, डीक्रोमिंग। वो तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहती है कि सारा हटा दिया, देखो डीक्रोम सारा गायब है गाड़ी के अंदर से पूरा। ये पूरा हो जाएगा ब्लैक, है ना? मैट्रिक्स इंडिकेटर। अच्छा, वो इंडिकेटर का शीशा पूरा बदलना पड़ता है कि सिर्फ इंडिकेटर चेंज होता है? ठीक है, गाड़ी के इंटीरियर में दिखाया था और गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डैम्पिंग करवा दी आपने? काम चल रहा है, काफी काम हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो साउंड प्रूफिंग आपने कर दी डोर की? साउंड प्रूफिंग होगी। ठीक 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 है। फ्रंट एरियर पे कंपोनेंट लगेंगे जेएल ऑडियो के। ठीक है भैया। ऑडिशन का एम्पलीफायर लगेगा 4 चैनल का। ठीक, एक सब ऊपर लग रहा है, जेएल ऑडियो का जेएल ऑडियो में सेटअप पूरा लग रहा है बेसिकली। और साथ में इसमें जो स्केल्ट बॉक्स लगा रहे हैं वो प्रॉपर्ली हम इंस्टॉल करेंगे, फॉर्च्यूनर के लिए बना हुआ वो। अच्छा, तो साइड में लगेगा जिसमें रिक्लाइन करके, जो मतलब हमने दिखाया भी है। ठीक है भैया, एक बार स्पीकर के बारे में, कंपोनेंट के बारे में डिटेल। जेएल ऑडियो के कंपोनेंट्स हैं, C1 सीरीज के कंपोनेंट्स, फ्रंट एंड रियर डोर में सेम लग रहे हैं। अच्छा, C1 सीरीज लग रही है फ्रंट एंड रियर। आप जो वूफर बता रहे हो डिग्गी में, एक बार ले आओ। यहाँ पे आप कह रहे हो कि उसको हम इस तरीके से प्लेस करें, प्लेस होगा इस जगह पे, कॉर्नर प्लेस होगा, बूट स्पेस खराब नहीं होगी। ठीक है, मतलब सीट कितनी पीछे ले है? पूरी जितनी कंपनी की आती है वो आई है। ठीक है, मतलब जो आती है नॉर्मल। ठीक है, और साथ में हम इसमें सारे इंटीरियर कस्टमाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी सीट्स, डोर पैनल्स, डैशबोर्ड के पार्ट, स्टीयरिंग, ओके, अंदर का सारा कार्बन फाइबर, मतलब इधर सारा ही काम हो रहा है। साथ में वेंटिलेशन सीट्स भी लगा रहे हैं, वेंटिलेशन सीट भी लग रही है। मतलब फ्रंट की भी रियर? फ्रंट टू डोर, फ्रंट टू सीट, फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड सीट लगेगी। चलो मतलब ठीक है, सारा काम गाड़ी तो होना है। टाइम कितना लगाने वाले भैया? दो दिन में हो जाएगी गाड़ी। अरे भैया ये तो आप गाड़ी रेडी करो, पीछे एक और गाड़ी नजर आ रही है, बहुत सुंदर लग रही है। ये लेक्सस स्टाइल में कन्वर्ट करी है ना, मतलब इसको भी कितना टाइम लगता है भैया करने में? दो दिन में हो जाती है। मतलब वही है कि पहले से ऑर्डर वगैरह हो जाएगा तो सामने वाले बंदे का टाइम कम लगता है। तो ये गाड़ी भी पूरी तैयार हो गई है, देख लो सामने कितनी सुंदर लग रही है। ये भी मॉडल मेरे ख्याल से 2018 है ना, ये मतलब यही वाला मॉडल था। ये भी इन्होंने लेक्सस किट लगवाई है, अदरवाइज लेजेंडर बना सकते हैं। चॉइस है मतलब अपनी, चॉइस है। चलो मतलब ये है कि अब 2 दिन बाद उस गाड़ी पूरी तैयार हो जाएगी। भाई यहाँ पे आप लोगों के सामने पूरी गाड़ी खड़ी, पीछे पूरी गाड़ी का काम हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। मैं आपको दिखाता हूँ पूरी गाड़ी डिटेल में कि हमने इसके अंदर क्या क्या करा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, गाड़ी कैसे पहले कैसी दिखती थी और अब कैसी नज़र आती है। तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। गाड़ी ना हमारी थी 2017-18 मॉडल था, ये Type 3। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, बम्पर थोड़े पुरानी शेप के आते हैं, बट हमने यहाँ पे इसको जो है प्रॉपरली लेजेंड की पूरी लेजेंडर किट इंस्टॉल की है, जिसमें कि हमने फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, हेडलैम्प, टेल लैम्प सब कुछ चेंज करी है। सबसे पहले हेडलैम्प पे आ जाते हैं, हेडलैम्प चेकआउट कर लो। यहाँ पे प्रॉपर DRL का प्रॉपर लेजेंडर वाली हेडलैम्प यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे पहले लाइट की बताया था। यहाँ पे जो है ना फॉग लैम्प में हमने हाई पावर प्रोजेक्टर्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल करे, जिनका थ्रो एक नंबर होगा। और ये जो इसकी हाउसिंग देख रहे हो, ये भी कितनी फिट एंड फिनिश है, अंदर कोई गैप आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल भी। प्रॉपर एकदम जीरो फिटमेंट का जो है फॉग लैम्प की प्लेसमेंट की गई है। फ्रंट का बम्पर देख लो, पूरा का पूरा चेंज है, मतलब ये लगा लो कि एकदम OEM फिटमेंट है, बिल्कुल ज़बरदस्त
बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़े फ्लैशेस लगाए एज पर कस्टमर डिमांड। और सबसे बड़ी बात, ये लेजेंडर किट आती है जो इसके अंदर है, कैमरे की प्लेसमेंट के लिए भी ऑप्शन आता है, तो हमने यहाँ पे जो है फ्रंट कैमरा लगा। तो ये हमारी ऐसे कुछ नज़र आती है फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की। एक बार कमेंट करके जरूर बताना फ्रंट प्रोफाइल कैसी लग रही है। उसके ऊपर थोड़े बॉक्सेस रखे हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, बाद में आपको डिटेल में दिखा भी दूंगा। यहाँ हम देखेंगे कि ना ऑडियो का सेटअप रखा हुआ बेसिकली। सबसे पहले तो यहाँ आपको C1 सीरीज़ के दो पेयर नज़र आएंगे, हमने दो पेयर इसके अंदर C1 सीरीज़ से कंपोनेंट्स डाले हैं। उसके बाद ऑडिसन का एक डाला है 4-channel amp जो हमारे कंपोनेंट्स को रन कर रहा है। साथ में हमारा जो है जेल ऑडियो का ही बूफर यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, मैं आपको दिखा दूंगा। बूट स्पेस में बहुत कॉम्पैक्ट और एक नंबर की आउटपुट वाला बूफर है भाई ये। और इसको रन करने के लिए साउंड बूस्ट का हमने मोनो एम्प लगाया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में गाड़ी के अंदर आपको दिखा दूंगा। बूफर की प्लेसमेंट आप देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। साइड प्रोफाइल पर हम आते हैं अपनी गाड़ी के। साइड प्रोफाइल पे ऐसे कुछ खास नहीं है, बट हाँ हमने गाड़ी को पूरा का पूरा डी क्रोम कर दिया है। जितना भी इसके अंदर क्रोम आइटम लगे हुए थे जितने भी, हमने सारे के सारे जो है पियानो ब्लैक में कर दिए। उसके अलावा आप देखेंगे इंडिकेटर में, हाँ तो इंडिकेटर में ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट नज़र आ रही होगी। ये हमने यहाँ पे इंडिकेटर का पूरा पार्ट चेंज किया है। अब जब आप उसको इंडिकेटर देंगे तो मैट्रिक्स में रन भी करेगा यहाँ पे। ये देखो कितना सुंदर लग रही है, सुंदर लग रहा है। इसके बाद हम गाड़ी की रियर प्रोफाइल पर आते हैं। मैंने आपको बताया था गाड़ी के अंदर हमने लेजेंडर किट यहाँ पे इंस्टॉल की है, तो यहाँ पे आप लोगों को लेजेंडर का बम्पर पीछे देखने के लिए मिलेगा, पीछे रियर प्रोफाइल पे, ठीक है। तो कुछ ऐसे नज़र आता है इसका रियर प्रोफाइल का बम्पर। साइलेंसर सब कुछ अपनी जगह पे प्लेस किए गए हैं, क्वालिटी फिनिश आपके सामने है। इवन इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। पीछे फॉर्च्यूनर की लिखी हुई बैजिंग यहाँ पे आप लोगों को मिलती है, एज वेल एज पीछे की टेल लैंप्स हमने पूरे यहाँ पे चेंज करे हैं। जो पहले आते हैं वो ओल्ड मॉडल में आते हैं वही लगे हुए थे, अब यहाँ पे लेजेंडर के टेल लैंप्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ड्यू क्रोम किया है, तो लोगो पूरा पियानो ब्लैक, रूफ इसकी ना पूरी हमने पियानो ब्लैक में करी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पूरी रूफ को भी ब्लैक किया है। ये देखो कलर के हिसाब से ऐसे समझ में नहीं आएगा, पर अगर पास से देखोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा कि हाँ रूफ पूरी ब्लैक हुई है। तो यहाँ मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, और अंदर आने के बाद ना गाड़ी एक तो पहले टचवुड बहुत ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे लग रही है, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी गाड़ी के स्टेयरिंग की, ठीक है। तो स्टेयरिंग चेकआउट कर लो, भैया ने स्टेयरिंग पूरा का पूरा यहाँ पे कस्टमाइज़ करवाया है, ठीक है। सबसे पहले स्टेयरिंग देखो, पूरे यहाँ पे कार्बन फिनिश में करवाया गया है, ठीक है। एज वेल एज़ यहाँ के पार्ट देखो कि यहाँ पे भी पूरी चीज़ें कार्बन फिनिश में ही करी गई है। इसके अलावा स्टेयरिंग देखो कितने प्योरली स्टिच किया गया है, मैं आपको डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आए देख के, ठीक है। स्टेयरिंग चेकआउट देख लो कितना बढ़िया चेकआउट कर रखा है, मतलब बढ़िया से किया हुआ है। ये हो गई भाई स्टेयरिंग की बात। एक कार्बन फाइबर मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी गाड़ी में। इसके बाद यहाँ पे एक ट्यूटर सैच होता है ना जो हमारा, इसके अंदर भी कार्बन फाइबर किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। गेट के अंदर आएंगे तो गेट के अंदर भी कार्बन फाइबर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं सब जगहों पे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जगहों पे कार्बन फाइबर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इवन इसके छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हो जो अंदर अंदर के, इनमें भी अंदर भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा ना यहाँ पे लेदर की बात कर लेते हैं, लेदर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है जो कि सॉफ्ट टच के साथ है पूरा। और ये भी मतलब ये लगा लो कि इन चीज़ों के साथ ना गाड़ी का जो अंदर की फील होती है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाती है एकदम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ना ब्लोअर पार्ट, देखो इधर ब्लोअर पे भी आप लोगों को जो है कार्बन फाइबर देखने के लिए मिल जाता है। मीटर के ऊपर वाले पार्ट पे भी आपको लेदर की स्टिचिंग मिल जाती है, लेदर का जॉब। एज वेल एज अगर आप फ्रंट पे आते हो तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पूरा का पूरा कार्बन फाइबर से जो है इसको बहुत अमेजिंगली इसको किया गया है। इसकी फिट एंड फिनिश एक बार आप चेकआउट कर लो पास से, ठीक है। फिट एंड फिनिश आप लोगों को पास से ही समझ में आएगी, ये देखो। इसके बाद अगर आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा अच्छा खासा यहाँ पे कार्बन फाइबर का काम किया गया है जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारे कस्टमर की। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या इस गाड़ी के अंदर, अभी दिखाता हूँ। गियर नो पे भी आपने इसको पूरी तरह से किया हुआ है। अच्छा देखो गाड़ी ना, गाड़ी की जो स्प्रंट की सीट है ना ये वेंटिलेटेड सीट है, कैसे दिखाता हूँ। और यहाँ पे ना वेंटिलेटेड सीट तो आती नहीं है लेकिन हमने ये बना ली, और इसके अंदर जो हवा आ रही है ना वो मैं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑन कर रखी है। स्विच देखो ये फिटमेंट किए हुए हैं, स्विच की प्लेसमेंट यहाँ पे की हुई है मैंने, इधर की ऑन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट चल रही है और यहाँ देखो इसको ऑन करते हैं, इसके मोड्स है ये 3 पे है तो ये ऑन हो गई है इस टाइम पे, ठीक है। ये इस टाइम पे ऑन है, उसके मोड है एक कम और इस पर बंद, और ऑन करूँगा तो पूरी ऑन हो जाएगी। तो इस टाइम पे ना मेरी जो सीट है ना ये वाली जिसमें मैं बैठा हूँ इसकी वेंटिलेशन ऑन है। टच वुड बहुत मज़ा आ रहा है इस गाड़ी में बैठने में। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग वो करते हैं कि कंप्लेंट करते हैं कि भाई मैं अपनी ना गाड़ी में बैठता हूँ जो थोड़ी सी भी लॉन्ग ड्राइव करता हूँ ना यार, तो मुझे वो चीज़ फील होती है कि मेरे ना टी शर्ट पूरी गीली हो जाती है, बैग भीग जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसे चल रहा है नो डाउट, बट इस वाले पार्ट में हवा कहीं से भी नहीं जा रही होती है। बट लेकिन इस गाड़ी के अंदर भाई वो चीज़ नहीं है भाई, वेंटिलेटेड सीट का भाई मज़ा अलग ही है, नेक्स्ट लेवल का है भाई। टच वुड मैं बैठा हूँ मुझे फील हो रहा है, अगर
इस चीज को मैं अगर आपको फील करवा पाता मैं जरूर फील करवा, पर वीडियो से इतना ज्यादा आप उसको जज नहीं कर पाओगे अंटिल आप इसके ऊपर बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ये हो गई हमारी वेंटिलेटेड सीट की बात। उसके बाद आप सीटें भी चेकआउट कर लो, यहाँ पे यानी कस्टमाइज सीट है पूरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाई है, पूरा इंटीरियर बनाया है तो सीटें भी इसका एक पार्ट है, चेकआउट कर लो। एक बार और पास से दिखाता हूँ आप लोगों को सीटें, ठीक है। इसके बाद एक बार रेयर की भी चेकआउट कर लो सीटें, यहाँ पे आप कहीं पे भी रिंकल विंकल का कोई नामो निशान नहीं है मिलता, इवन आर्मरेस्ट के अंदर भी आप लोग ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। सॉफ्ट टच के साथ आप कोनी रखिए, आराम से इस गाड़ी को ड्राइव करिए, बहुत ही कंफर्टेबल है, मामला हो गया है। सिर्फ ये कार्बन फाइबर मैंने से बोला था ना, फ्रंट में ही नहीं पीछे बैक में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। देख रहा हूँ यहाँ पे हो गया, पीछे के डोर्स हो गए चेकआउट कर लो, ये देख लो। अब यहाँ पे भी हमने इस चीज़ को पूरा किया हुआ है, ये देखो इसके ऊपर भी पूरा कार्बन फाइबर है। अब गाड़ी के अंदर ऑडियो की बात, अब गाड़ी के अंदर आती है ऑडियो की बात हमारे, ठीक है। ऑडियो मैंने आपको पहले ही बॉक्सेस सारे दिखा दिए थे, ठीक है। मैं आपको बताया था गाड़ी के अंदर हमने किया क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी के फ्रंट एंड रियर पर लगे हैं C1 सीरीज के कंपोनेंट JL ऑडियो के, उसकी जिनको की रन कर रहा है हमारा ऑडिसन का 4 चल रहा है, ठीक है, सॉर्टेड। इसके बाद हमारे इसके अंदर एक मोनो एम्प और लगा है जो हमारे बूफर को रन कर रहा है, जो हमारे बूट स्पेस पर लगा। और टचवुड अगर आप वो बूफर देखोगे ना, आप बोलोगे कि यार यही वूफर लगाना हमको। इस वूफर को हमने बहुत तरीके से लगाया है जिससे कि आपकी डिग्गी की जो पीछे की सबसे लास्ट रो की सीट है आप उसको मैक्सिमम टिल कर लोगे ना तब भी वो वूफर पे टच नहीं होता, और इतना अमेजिंग आउटपुट जिसकी कोई हद नहीं भाई, सीरियसली। मतलब ये लगा लो कि गाड़ी के अंदर एक क्लास काम हुआ है गाड़ी के अंदर इस टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये लेजेंडर है, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है फ्रंट कैमरा लगाया है और एज वेल एज रियर पे तो थाई कैमरा, फ्रंट कैमरे का प्लेसमेंट दी हुई तो फ्रंट कैमरा हमने इसमें इंस्टॉल किया, जो आप जब स्टार्ट करेंगे गाड़ी को तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और अपने आप बंद हो जाएगा। और साथ देखेंगे आप फैब्रिक की प्लेसमेंट यहाँ पे भी की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे CCU भी कार्बन फाइबर हुआ, मतलब हर चीज पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया हर एक चीज का। सेंटर में भी कार्बन फाइबर तो आपको देखने मेरे ख्याल में लेदर की स्टिचिंग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, इवन आफ्टर गियर नॉब के ऊपर भी आपको लेदर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कार्बन फाइबर में आपको ऑलरेडी, लेदर में आपको ऑलरेडी ये वाला भी दिखा चुका है। एम्बिएंट लाइट रह गई है, एम्बिएंट लाइट इस टाइम पे धूप आ रही है पर आपको एम्बिएंट लाइट अलग से नजर आएगी पूरी ब्राइट, ठीक है। ये होती है एक अच्छी एम्बिएंट लाइट की निशानी, ये देखिए एम्बिएंट यहाँ पे भी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे भी पूरी एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल्ड। मैं आप लोगों को एक बार चला डिग्गी वाला ऊपर दिखाता हूँ कैसा नजर आता है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग देखने जाते होंगे और कई लोग हमारे जो है ऑलरेडी देख चुके होंगे कैसा नजर आता है। आइए डिग्गी पे लेके जाता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था ना वूफर की प्लेसमेंट बहुत अमेजिंगली की गई है, ये देखो चेकआउट करो, ये देखो यहाँ चेकआउट करो वूफर की प्लेसमेंट। भाई साहब इसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी है ना और इसका आउटपुट इतना ज़बरदस्त है, कोई हद नहीं है, ठीक है। अगर आप सीट को पूरा फुल पीछे भी कर लोगे ना तो भी ये वूफर पे टच नहीं करे। इसकी जो कस्टमाइजेशन है ना हमने इसी अकॉर्डिंग की है, स्पेशली ये फॉर्चुनर के लिए है, और एज वेल एज ऐसा हमने बॉक्स जो है हमने अपना थार में भी हमने किया हुआ है जनरेट, जिसमें यह होता है कि आप सीट को पूरा पीछे कर लो तो भी आपकी गाड़ी पे कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ठीक है, और उसका आउटपुट एक नंबर। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरीके से काम करना चाहते हो तो आपको आ रहा है कार है अशोक विहार न्यू दिल्ली, ये स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।